क्या आप मेटफॉर्मिन वाली गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि अगर आप ये गोली लेते हैं तो कुछ ऐसे एहतियात रखनी चाहिए, अगर नहीं रखे तो ये आपकी जान को भी जोखिम में डाल सकती है। क्या है ये एहतियात, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and below in the description box, there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, मेटफॉर्मिन वाली गोली जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली गोली है। ये गोली दी जाती है अगर आपको टाइप 2 वाला डायबिटीज़ है तो, अगर आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी है, या तो आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, या तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सभी मेडिकल कंडीशन में मेटफॉर्मिन की गोली दी जाती है। अब ये सारी कंडीशंस आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और इसीलिए ये सभी ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन ऑफ दवाई भी मेटफॉर्मिन है और इसीलिए ज़्यादा करके मरीज ये दवाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए, वैसे तो ये दवा काफ़ी सेफ और सुरक्षित है, लेकिन ये दवा लेते वक्त आपको कुछ ऐसी एहतियात रखनी ज़रूरी है जो आपको आगे आके मेटफॉर्मिन के वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन और ख़ास करके जानलेवा कॉम्प्लिकेशन ना लेके आए। तो क्या है वो? तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले या तो इन बिटवीन द थेरेपी आपको आपके खून के शक्कर और खून के इंसुलिन लेवल को चेक करते रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि मेटफॉर्मिन की दवा आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की एक्टिविटी को सुधारती है और इसके वजह से आपके शरीर का शक्कर कम हो जाता है और जिसको हम लो ब्लड शुगर कहते हैं, और लो ब्लड शुगर अगर सही तरीके से ठीक नहीं किया तो जानलेवा भी होता है। तो अगर आप ये दवा का इस्तेमाल करें तो प्लीज़ आप आपके शक्कर को रेगुलरली चेक करते रहिएगा, और ख़ास करके अगर आप ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है ये टाइप 2 डायबिटीज़ में, जैसे इंसुलिन की दवा है, फिर आ जाती है सल्फोनिल यूरिया क्लास की दवाइयाँ। तो अगर आप ऐसी सभी दवाइयाँ लेते हैं तो ये दवाइयों से भी आपका शक्कर डाउन हो सकता है। तो ये बात की आप खास ख्याल रखें और आपके डॉक्टर को बताइए और बीच बीच में आपके शक्कर इंसुलिन लेवल को चेक करते रहिए। ये सबसे कॉमन प्रिकॉशन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एहतियात है वो है आप किडनी फंक्शन को चेक कीजिए। जी हाँ, जब भी हम ये गोली का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम आपके किडनी फंक्शन को चेक करते हैं और दवा लेने के बीच बीच में भी किडनी फंक्शन जांच करानी ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो मेटफॉर्मिन दवा बहुत सुरक्षित है, लेकिन मेटफॉर्मिन दवा की एक ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जिसका नाम है लैक्टिक एसिडोसिस, और अगर आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है तो ये आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। हालांकि लैक्टिक एसिडोसिस इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आपके किडनी के फंक्शन कम होती जा रही है तो आपको लैक्टिक एसिडोसिस होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब आप मेटफॉर्मिन दवा लेते हैं आपको किडनी फंक्शन को रेगुलरली चेक करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को दी जाती है और यही मरीजों को आगे चल के किडनी के फंक्शन पे भी गड़बड़ी आती है, और ये डायबिटीज़ के मरीजों को किडनी फेलियर, डायलिसिस, किडनी डिजीज़ होता है। तो वैसे केसेस अगर आपको हो रहा है तो आपको मेटफॉर्मिन की दवा तुरंत ही बंद करनी है और आपके आपको डॉक्टर को बताना है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है कि अगर आप कोई भी प्रकार का एक्सरे है या तो कोई भी प्रकार का स्कैन है, खास करके सिटी स्कैन, जहाँ पे आपकी बाहों में से जो आयोडीन भरी हुई डाई का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप ऐसे कोई प्रोसीजर
करवा रहे हैं तो आपको कुछ दिनों पहले ये दवा को बंद करना ज़रूरी है। क्या होता है, जब ये डाई दी जाती है तो ये डाई सीधी काम करती है आपकी किडनी पे, और ये डाई के वजह से आपके किडनी का फंक्शन कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है, और उस वक्त पे अगर आपने मेटफॉर्मिन दवा चालू रखी तो हो सकता है आपको लैक्टिक एसिडोसिस वाला कॉम्प्लिकेशन आ सके। ऐसा ना हो इसीलिए जब भी हम ऐसा स्कैन की एडवाइस करते हैं मरीजों को, कुछ दिन पहले ये दवा बंद ही करने को कहते हैं। और जैसे ही ये स्कैन हो जाता है उसके 48 यानी 48 घंटों के बाद में हम ये दवा को वापस रीस्टार्ट करते हैं। देखिए आइडियल केस में तो स्कैन होने के 2 दिन के बाद में किडनी की टेस्ट करानी ज़रूरी है। अगर किडनी की टेस्ट बराबर से आती है तो ही आपको ये दवाई शुरू करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी टेस्ट नहीं करा रहे तो कम से कम आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा ताकि आपको लैक्टिक एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम ना आए। उसी प्रकार जब भी आपकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बुखार है, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, या तो फिर आपके पेट में गड़बड़ी है, या तो आपको अस्थमा का अटैक आया है जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, या तो फिर अभी अभी आपने कोई ऑपरेशन किया है, ये सभी कंडीशन के वक्त पे मेटफॉर्मिन दवा को हम यूजुअली बंद करना ही एडवाइस करते हैं। चौथा प्रिकॉशन है वो है अल्कोहल यानी कि दारू का सेवन। देखिए दारू का सेवन बहुत सारे लोग अपनी सोशल लाइफ में करते हैं, और दारू के वजह से आपका शक्कर डाउन हो जाता है, और मेटफॉर्मिन दवा अगर आप उस वक्त पे लेंगे तो आपका शक्कर और डाउन हो जाएगा और आपको ज़्यादा मात्रा में लो ब्लड शुगर होता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए आपको मेटफॉर्मिन वाली गोली को जहाँ तक हो सके दारू के सेवन के साथ में मिक्सअप ना करें तो अच्छा है। दूसरा एक प्रिकॉशन है जो है विटामिन बी। जी हाँ, क्या होता है मेटफॉर्मिन की दवा के वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और बहुत सारे मरीजों के शरीर में जो विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं होता, और जो मरीज़ मेटफॉर्मिन की गोली का इस्तेमाल करते हैं उनको कहीं ना कहीं हद तक विटामिन बी की कमी हो जाती है, और इसके वजह से बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे थकावट आना, फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, फिर आपको नर्व्स में डैमेज आना, तो ये सभी कुछ लक्षण होते हैं। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो रेगुलरली आप आपका विटामिन बी का लेवल चेक कराते रहिए, और अगर वो कम है तो उसको आपको ठीक भी करना पड़ेगा। दूसरा एक प्रिकॉशन है वो है एलर्जी। ज़्यादा करके मेटफॉर्मिन बहुत इजीली लोगों को एडजस्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेटफॉर्मिन के दवा से कोई एलर्जी है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। दूसरा एक पॉइंट है वो है प्रेगनेंसी। क्योंकि मेटफॉर्मिन की दवा दी जाती है PCOS की औरतों को, अब PCOS की औरतों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके मासिक धर्म रेगुलरली नहीं आते, और क्योंकि मासिक धर्म रेगुलर नहीं होते बहुत सी बार ऐसा होता है PCOS की महिला गर्भवती बन जाती है और उनको पता भी नहीं होता कि वो गर्भवती है, और क्योंकि मेटफॉर्मिन दवा वो ले रहे थे तो हो सकता है कि शुरुआत के पहले जो ट्राइमेस्टर है जहाँ तक प्रेगनेंसी की जांच पड़ताल नहीं आई है वो दवा ले रहे हैं। तो अगर आप गर्भवती है, आप PCOS से पीड़ित है और आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बात कीजिए, हो सकता है डॉक्टर आपकी दवा चालू रखे या बंद करे, वो अगेन डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस पे, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। उसी प्रकार आ जाता है लैक्टेशन यानी कि स्तनपान कराती हुई महिलाएं। देखें ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि मेटफॉर्मिन की दवा जो महिला स्तनपान करा रही है उसके लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ छोटी मात्रा में यस ये दवा आपके दूध में सिक्रीट होती है, लेकिन इससे कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, फिर भी आपको कोई कंसर्न है तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिएगा। तो ये हमने देखा कि मेटफॉर्मिन दवा का अगर आप इस्तेमाल करें तो क्या क्या आपको एहतियात रखनी चाहिए, और मेटफॉर्मिन की गोली सही तरीके से लेना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इस गोली को सही तरीके से लिया जाए उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ एक नई जानकारी हासिल हुई, तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।
अगर आपको आपकी सेहत के रिलेटेड कोई निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढ़ के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपका आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।